तो साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से आपके सामने हूँ, लेकिन इस बार मेरे साथ है मनीष कुमार। जैसा कि आपको पता है कि अभी ग्रुप डी की परीक्षाएं हुई और पाठशाला ने मुट्ठी भर लोगों से ढेर सारे सिलेक्शन दिए और उसी सिलेक्शन में एक नाम है मनीष का भी। इनका बोर्ड हुबली था और इन्होंने जो स्कोर किया वो 74 स्कोर किया। अब हम लोग मनीष से ही जानेंगे कि कैसा रहा इनका ये सफ़र, कैसे इन्होंने अपनी तैयारी की और कैसे ये सिलेक्शन तक पहुँचे, ताकि इनके रास्ते पर आप चलकर अगली वैकेंसी पर भी सिलेक्शन पा सके। तो मनीष, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पाठशाला रेलवे पर। धन्यवाद सर। तो मनीष, मुझे एक बात बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के मनीष? सर, मैं रहने वाला हूँ कानपुर का हूँ। और पढ़ाई, अगर बात हम पढ़ाई की करें तो पढ़ाई के लिए मैं यूट्यूब चैनल से ही पढ़ता था। मैंने कोई पेड कोर्स ऐसा कुछ परचेज नहीं किया। लोग कहते हैं कि पेड कोर्स से या यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता, ये कहने की बातें हैं। अगर आप एक अच्छे टीचर और एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप चुनते हैं तो आप इवन यूट्यूब से भी पढ़ के सिलेक्शन पा सकते हैं, जैसा कि मैंने सिलेक्शन पाया हुआ है। मैंने यूट्यूब से ही, स्पेशली धन्यवाद कहूँगा योगेश सर को और अनुराग सर को। अनुराग सर की मैथ की क्लासेस और योगेश सर आपकी साइंस की क्लासेस, हथौड़ा बैच किया, वाह क्या क्लासेस थी, क्या मतलब उस कंटेंट लेवल को डिलीवर करना यूट्यूब पे। जो कंटेंट आपको पेड कोर्सेज में नहीं मिलेगा, वो कंटेंट आपको पाठशाला की टीम पे, आपको यूट्यूब के चैनल पे मिलेगा। और रही बात सफलता की, तो सफलता दोनों तरफ से होनी चाहिए सर। लोग आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे, आपको बेहतर कंटेंट देंगे, बट उसके लिए आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, रेगुलर क्लासेस में आना पड़ेगा। जो चीज़ सर उसको दे रहे हैं आपको उसको करना पड़ेगा, आप उसको रिवाइज करिए, आप पूरा पढ़िए। आप अगर एक फ्लो में चलेंगे, गाइड करेंगे, तो उससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा, ये मैं श्योर हूँ। अच्छा, तो मनीष एक बात मुझे बताइए, जब आपने तैयारी करना शुरू किया था तो मतलब पाठशाला टीम में आपने ऐसा क्या देखा कि सिर्फ पाठशाला को ही चुना, या फिर आपको ऐसा लगा कि पाठशाला टीम ही सिलेक्शन में योगदान दे सकती है? नहीं सर, अगर सिलेक्शन की बात करें तो मैंने यूट्यूब पे और भी चैनलों से, मैं टू वी फ्रेंक मैंने और भी चैनलों से पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि। लेकिन जब मैंने फर्स्ट बार पाठशाला को देखा तो मेरा साइंस को, स्पेशली मैं साइंस को पढ़ने का बताऊंगा कि मेरा नज़रिया ही चेंज हो गया। क्योंकि साइंस हर जगह आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल उसी बेसिक तरीके से, जो भी पुराना मेथड है उसी से बताया जाता है, वो भी फॉर्मूला लिंक। आप अगर सर के क्लासेस को फॉलो करेंगे तो उसमें क्या है कि आपको कोई ऐसा बाध्य नहीं है कि आप इसी बाई प्रोसीजर ही जाएं। आप कुछ सर ऐसे ऐसे कुछ शॉर्ट ट्रिक हैं, जो आप जो क्वेश्चन आप 5 मिनट लोगे, विद इन आप 10 सेकंड 20 सेकंड में आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। हाँ, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ने का टाइम वो अलग देना पड़ेगा। मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि अगर आप सोल्यूशन चाहेंगे, इवन गति के ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे सोल्यूशन सर ने क्रिएट कर रखे हैं कि आप उसको विद इन 20 सेकंड आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे लगा कि हाँ, पाठशाला मेरे लाइफ में हेल्प कर सकता है मेरे सफलता के लिए। और जैसा कि मैंने चुना, तो मुझे खुशी है कि मैंने एक सही प्लेटफॉर्म चुना था और एक सही टीचर को चुना था, जिससे मैंने चुन के ये सिलेक्शन को पा लिया सर। क्या बात है। तो मनीष, अब तो मान लो अपनी जॉब लग गई, अब तो मतलब बढ़िया है, मजे है, तो अब इसके बाद भी और किसी एग्जाम की तैयारी करनी मनीष? नहीं सर, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसका परसेप्शन क्या है। अगर आपका कंटिन्यूअस, आप जैसा कहते हैं कि अगर आप एक जगह रुक गए तो फिर उसके आगे आपका सब कुछ खत्म ही है, आपने उसी को मान लिया। तो ये चीज़ एक प्लेटफॉर्म है मेरे लिए ग्रुप डी था कि हाँ, आपने हेल्प की मेरी, आप लोगों ने मेरे साथ इतना कॉपरेट किया कि मैंने एक प्लेटफॉर्म को पाया। तो वो मेरा एक पहला एग्जाम है जिसको मैंने क्वालिफाई करके अभी मैं टेंशन फ्री हो गया हूँ कि मेरे पास एक जॉब है, मैं सुनिश्चित हूँ, अब मैं बेरोजगार नहीं हूँ। तो मैं अब सुनिश्चित हो के मैं आगे अदर भी एग्जाम की जो भी है, एलपी हो गया और भी रेलवे के जो एग्जाम आते हैं, अब आगे जो भी एग्जाम, क्योंकि आदमी का नेचर होता है सर लगातार बढ़ते रहना, एक जगह यार रुकना पसंद नहीं करेंगे। तो मेरी यही अभिलाषा रहेगी कि मैं धीरे धीरे डे बाई डे अपने आप को इम्प्रूव करूँ और जो भी आगे एग्जाम आए उनमें भी मैं अच्छा स्कोर हासिल करूँ और अपना, अपने माँ बाप का नाम और जहाँ से मैंने पढ़ रहा हूँ स्पेशली पाठशाला से, इसका नाम मैं रोशन करूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया लगा आपसे मनीष बात करके। तो मनीष, अब लास्ट में मतलब अगर आप कुछ देना चाहेंगे, भाई देखिए अभी तो ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, अब अगले 2-3 साल में जो भी वैकेंसी आएगी, चाहे वो एएलपी की हो, ग्रुप डी की हो, जो भी हो रही, उसके लिए मतलब कोई एक संदेश जो बच्चों को मिलना चाहिए, हाँ मेरे छोटे भाई बहन जो है अगर ऐसा कुछ कर ले तो वो सिलेक्ट हो सकते हैं, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो सर एक ही बात है, वही बात अगर आप, जैसे मैं एक खेल से लेके आपके चलता हूँ कि क्रिकेट है, क्रिकेट में खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि जिस दिन मैच है बस उसी दिन जाके वो परफॉर्म किया और बन गया प्लेयर, शतक मार दिया। उसके लिए वो पहले से इंतजार करता, वो ये नहीं इंतजार करता रहता कि बस मेरा, मान लीजिए 5 तारीख को मेरा क्रिकेट का मैच है तो मैं 1 तारीख से पढ़ना शुरू करता हूँ।
एक तारीख से खेलना शुरू करता हूँ, आपको उसके पहले से वो प्रिपरेशन करता रहता है। तो वही है कि आपको वैकेंसी की इंतजार नहीं करना, वो तो गवर्नमेंट का काम है, वो तो आपके हाथ में है नहीं कि वैकेंसी ला लोगे, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में, वो गवर्नमेंट वैकेंसी देगी। लेकिन आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में अपने आप को मेहनत करना, अपने आप को निखारते रहना। ये ना हो कि आपको जब वैकेंसी आई, आपको पता है रेलवे की वैकेंसी कितनी कैसे कैसे आती है, फिर पता चले आपको वैकेंसी आ गई तब आप पढ़ना शुरू किए, कुछ नंबर से एक दो नंबर से रह गया, फिर आपको पछताए नहीं चुकेगा। तो मेरा कहना ये मानिए कि आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू करिए, भले आप थोड़ा कम पढ़िए, मैं कोई ये नहीं कर रहा हूँ कभी से आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़िए, 2-3 घंटे 4 घंटे जितना भी आपसे बन पड़ता है, आप रेगुलर रहिए, रेगुलर अभी से आप मेहनत करते रहिए। तो उससे क्या है कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका मतलब सफलता की आप डे बाई डे नज़दीक जाते जाएंगे। अगर जिस दिन आपकी वैकेंसी आएगी उस दिन हजारों क्या करोड़ों में बच्चे पढ़ने के लिए आ जाएंगे। मतलब मनीष ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक वैकेंसी नहीं है तो तब तक चलते रहिए, हाँ। जब वैकेंसी नोटिफिकेशन आ जाइए तो दौड़ना शुरू करिए, और उस टाइम पे सर आप लाखों बच्चों से आगे रहेंगे, क्योंकि अगर अभी आप पढ़ेंगे, ये बात बहुत सही, अगर अभी से आप पढ़ेंगे तो आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, उस टाइम पे आप लाखों बच्चों से आगे रहेंगे, और जो बच्चे उसी टाइम तैयारी करना शुरू करेंगे और आप में जमीन आसमान का अंतर रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ने की, आपको समझने की, सोचने की, हर चीज़ की आपकी तार्किक क्षमता बढ़ जाएगी, उससे आपको सिलेक्शन लेने में बहुत मदद मिलेगी, आपको लास्ट में कोई बर्डन भी नहीं आएगा, प्रेशर है क्या करूँ ऐसा आपको फील नहीं होगा, आप अच्छे से करके आप पढ़ सकते हैं और आप सिलेक्शन अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। यही हमारा संदेश है, और जो भी मैं कुछ कह रहा हूँ आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं सर के पास बैठा हूँ इस वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि जनरली यूट्यूब पे आया है तो देने वो तो सर बोले होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ जो कुछ मेरे दिल में था, जो कुछ मैंने महसूस किया अपने पढ़ने के दौरान और सिलेक्शन के दौरान, वही मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ऐसा ना समझिए। बाकी आप लोग तो इस उम्र में है ही है कि क्या अच्छा है क्या सही है क्या गलत है वो आप फैसला कर सकते हैं। तो मेरा अगर आप मुझे मानते हैं, आप फॉलो करते हैं, योगेश सर को फॉलो करते हैं, तो आप हाँ अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से, और मैं स्पेशली आपको भटकने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को फॉलो किया मैं श्योर हूँ, दावा विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन, ये कभी भी पाठशाला टीम आपका हाथ नहीं छोड़ेगी, इवन ग्रुप डी में भी पाठशाला की टीम ने, मैं आपको बताऊँ कि 11 अक्टूबर की लास्ट तक एग्जाम था, पाठशाला टीम ने उस दिन तक पढ़ाया था, तो आपका साथ भी नहीं छोड़ेगी, आपको हमेशा पकड़ के रखेगी, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो मेरा मानना है कि आप सफलता के नज़दीक ही रहेंगे। क्या बात है, चलिए फिर मनीष से बातचीत खत्म करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास है, चलिए फिर मिलते हैं। और सर मैं लास्ट में सर आपको स्पेशली थैंक करना चाहूँगा कि आपने हजारों बच्चों का आपने भविष्य सुधारा, इसके लिए आपका और रेलवे पाठशाला टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, चलिए फिर ऐसी बातें और चीज़ होती रहेंगी, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.